ठीक है जी, चालू करते हैं। तो हम लोग बट वेल्डिंग के स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे और थोड़ा बहुत हमने बट वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, कहां तक आ गए थे हम लोग। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकेशंस ऑफ बट वेल्डिंग पढ़ रहे थे और स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्डिंग में हमने थोड़ा बहुत कल के लेक्चर में थ्रोट थिकनेस के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था, थ्रोट थिकनेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमें फुली पेनिट्रेशन में, जिसको हम कंप्लीट पेनिट्रेशन बोलते हैं, और पार्शियल पेनिट्रेशन में, जिसको हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बोलते हैं, इसमें हम थ्रोट थिकनेस लेते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको थ्रोट थिकनेस बताई क्या होती है थ्रोट थिकनेस। तो आज के लेक्चर में मैं थ्रोट थिकनेस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आज पढ़ाने के लिए अपने पास टॉपिक अलग है। ठीक है, तो हम सिंपल सा दो चीजों पर चल रहे थे। हमने थ्रोट थिकनेस पढ़ी थी फॉर द फुली पेनिट्रेशन बैंड एंड फॉर द पार्शियल पेनिट्रेशन बैंड, जिसमें हमने देखा था 5/8 ऑफ द थिनर मेंबर थिकनेस होता है, थिनर मेंबर हम थ्रोट थिकनेस लेंगे। फिर हमने देखा, इसके बारे में आया था हमने इफेक्टिव लेंथ पे, तो हमने देखा था कि जो मिनिमम लेंथ आप बट वेल्डिंग में प्रोवाइड करते हो, जो मिनिमम लेंथ आप बट वेल्डिंग में प्रोवाइड करते हो, वो फोर टाइम्स, मिनिमम फोर टाइम्स ऑफ साइज भी लिख लो, साइज ऑफ वेव। देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मिलेगा वो उस तरीके से मिलेगा। देखो मैंने क्या, अपन ने क्या लिखा भाई, हमें जो पता है तो साइज ऑफ वेल्ड होती है वो थ्रोट थिकनेस है। हम स्पेसिफिकेशन में ये देखते हैं कि जो हमारी थ्रोट थिकनेस होती है वो आपका साइज ऑफ वेल्ड बताता है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता है कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड हम देते हैं वो क्या आता है, मिनिमम फोर टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कल आपने क्या लिखा था, मिनिमम फोर टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस। अब थ्रोट थिकनेस का मतलब क्या होता है भाई, साइज ऑफ वेल्ड ही तो होता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन दो तरीके से घूम सकता है, एक तो यहां पर आपको फोर टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस भी लिखा हो सकता है और एक आपको साइज ऑफ वेल्ड भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमने देखा, हमने कल यहां तक छोड़ दिया था, मैंने एक्सेप्ट का लेक्चर छोड़ा था। तो हमने देखा जो मिनिमम लेंथ हम देंगे, जो मैंने आपको कल फिगर में दिखाया था, जो मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड देंगे वो मिनिमम फोर टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड तो होना ही चाहिए, और साइज ऑफ वेल्ड आपका जो डिस्क्राइब होता है वो होता है थ्रोट थिकनेस से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, हमने क्या बोला कि हमें जो लेंथ देनी है, हमें जो लेंथ देनी है वेल्ड की, वो मिनिमम से मिनिमम फोर टाइम्स तो देनी ही है। अब क्या होता है, आप फोर टाइम्स से ज्यादा भी दे सकते हो, है ना, फोर टाइम्स से आप ज्यादा भी दे सकते हो। जैसे हमने बोला था कि कोई दुकानदार है 100 रुपए की चीज मिनिमम से मिनिमम वो लास्ट आपको 30 रुपए बेच सकता है, अब आप उसके 50 रुपए भी दे सकते हो, आप उसके 60 रुपए भी दे सकते हो, बट आपसे 30 रुपए तो लेगा ही लेगा। कोई 100 रुपए की चीज है और लास्ट दुकानदार जो बार्गेनिंग करता है उसके जो फायदा उसको होगा वो बोलेगा सर 30 रुपए में आपको दे सकता हूँ, मैं 32 रुपए में खरीद कर आया हूँ, लास्ट से लास्ट में आपको 30 रुपए में दे सकता हूँ, 30 से नीचे तो आपको नहीं देगा। उसी तरीके से जो आपको वेल्ड की लेंथ देनी है वो मिनिमम फोर टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड देनी है, बट आपको ध्यान रखना है आप इससे ज्यादा भी दे सकते हो। तो इन केस मान लो आपने ज्यादा दे दी, मान लो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इफेक्टिव लेंथ की वो फोर टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड है, बट आप उससे ज्यादा दे दो, 6 टाइम्स दे दो, 8 टाइम्स दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जब आपके दोनों मेंबर इक्वल है, थिकनेस दोनों की क्या है, इक्वल है, द इफेक्टिव लेंथ, अब ध्यान से देखना, हमने एक्सेप्ट किया था द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बट वेल्ड शैल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस फुल साइज वेल्ड। दोनों प्लेट्स की थिकनेस सेम है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ के लिए। अभी तक हमने थिनर और जो थिक मेंबर था इसमें हम कंपैरिजन कर रहे थे थ्रोट थिकनेस की, अभी तक हम जो कंपैरिजन कर रहे थे उस पर कंपैरिजन कर रहे थे थ्रोट थिकनेस का। आज की तारीख में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इफेक्टिव लेंथ। देखो जी, वेल्डिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं आपको वेल्डिंग इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी इंडिया में टॉप 100 की नॉलेज होगी। इस सारे नॉलेज, इस वेल्डिंग की इतनी नॉलेज आपको पूरे इंडिया में, मेरे को बता देना सर ये है बंदा जो आपसे भी डिटेल में पढ़ाता है, उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जिसने मुझसे ज्यादा डिटेल पूरे इंडिया में इस वेल्डिंग को, वेल्डिंग मतलब कोई भी टॉपिक, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में आगे 10 साल के लिए बना रहा हूं तो मैं एक चीज कवर करके चलता हूं, ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए आज थोड़ा सा बना दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव लेंथ। अब हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, अब अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं तो अगर दोनों मेंबर की थिकनेस सेम है और बट वेल्डिंग है, तो जो भी आपने, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस करा था, कांग्या फोटोग्राफ को फिगर, कांग्या हमारे फिगर की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो इसके थ्रोट थिकनेस है, ये जो साइज ऑफ वेल्ड है उससे ज्यादा ही इन्होंने लेंथ ऑफ वेल्ड दे के रखी है,
और ये दोनों केस में थिकनेस क्या है, सेम। अब आप आगे के बारे डिस्कस करना, देखो है ना, जब थिकनेस सेम तो कोई इशू नहीं है, कभी कभार अगर थिकनेस चेंज आती है। आपको एक चीज क्लियर रखनी पड़ेगी, कल के लेक्चर में हमने थ्रोट थिकनेस पढ़ा था, आपके भेजे में बार बार ये बात में बोल रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और आज की तारीख में हम इफेक्टिव लेंथ पढ़ेंगे। तो आप देखो, अगर आपने जो कंटिन्यूस वेल्ड देके रखा है तब दोनों मेंबर्स इक्वल है तो आप इक्वल मानोगे। बट अब आपको दो चीजें ध्यान से रखनी पड़ेगी, जो कंटिन्यूस आपने वेल्ड करा है उसी को हम इफेक्टिव लेंथ मानते हैं, बट दो केसेस ऐसे हैं जिसमें जो टोटल लेंथ होती है ना वो इफेक्टिव लेंथ नहीं मानी जाती। दैट मीन्स, देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने केस डिस्कस करा कि आपने थ्रू आउट द लेंथ वेल्ड कर दिया, मिनिमम साइज हमें 4 टाइम्स चाहिए, बट अगर आपने ये फिगर आप देख लो, आप ध्यान से देखना, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको इश्यू आएंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ा है, ये किसी भी IES की बुक में लिखा हुआ नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लेंथ है आपकी। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ये ही इफेक्टिव लेंथ होती है, ओनली इन 2 केसेस इसको हम इफेक्टिव लेंथ नहीं मानते, इसको हम इफेक्टिव लेंथ नहीं मानते। और वो कौन से 2 केसेस है, एक है रन ऑफ एंड रन ऑन प्लेट्स का, आप देखोगे आपको तो अभी मैं ध्यान से बताता हूं, और दूसरा है जब थिकनेस ऑफ मेंबर आपकी 20 mm से कम है, जब थिकनेस ऑफ मेंबर आपकी 20 mm से कम है। इन दोनों केसेस में जो लेंथ होती है ना यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी इफेक्टिव लेंथ नहीं मानी जाती। अगर आप ध्यान से देखना, देखो 2 केसेस हैं जिसमें इफेक्टिव लेंथ का लोचा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या अगर हम फर्स्ट फिगर की, कौन सा पेज नंबर था, चलो अगर हम इस तरह की बात करते हैं, तो इन्होंने इधर भी कोई प्लेट लगा के नहीं रखी और इधर भी कोई प्लेट लगा के नहीं रखी, जो इसकी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है वही हमने इफेक्टिव लेंथ मान ली। बट अगर आपके पास 2 एक्सेप्शन केसेस होते हैं इसमें, अगर वो 2 एक्सेप्शन केसेस आ गए तो ये आपकी इफेक्टिव लेंथ नहीं बनेगी, और उनको हम बोलते हैं रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स। अब देखो होता क्या है, इधर जाओ आप, अगर आप ध्यान से देखो इस प्लेट में, तो जो हमारा पेरेंट मेटल है ना, पेरेंट मेटल देखो मैं आपको दिखाता हूं, रेड से करता हूं मैं, पेरेंट मेटल आता है यहां से लेके यहां तक है, अगर आप देखोगे तो पेरेंट मेटल आता है यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है पेरेंट मेटल। अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 एडिशनल प्लेट्स लगाई गई, रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स, मतलब क्या, एक जहां से शुरुआत करी वो रन ऑन बन गई, यहां पर खत्म करा वो रन ऑफ हो गया, रन ऑन एंड रन ऑफ, एक जो शुरुआत करा वो रन ऑन, जो खत्म हो गया वो रन ऑफ प्लेट्स हो गया। अगर मान लो आपने यहां से शुरुआत करी वेल्डिंग करने की, तो रन ऑन, यहां पर खत्म हुई तो रन ऑफ प्लेट्स, तो रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स, एक तरह की रन ऑन होती है, एक साइड की रन ऑफ होती है। ध्यान से देखना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से बता रहा हूं आपको, एक ही जगह लिखा हुआ है और वो है IS कोड, ध्यान से देखना ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एक पेरेंट मेटल ये है, एक पेरेंट मेटल ये है, और पेरेंट मेटल की देखो इसने यहां से लेके यहां तक की थ्रू आउट वेल्ड मारी हुई है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेल्ड थोड़ी सी पेरेंट मेटल के भी आगे निकली हुई है, जो मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, अगर आप देखोगे तो इसने वेल्डिंग पेरेंट मेटल से भी आगे करी हुई है यहां तक, ये देखो जो पेरेंट मेटल है वो रेड में है, देखो ये भी वेल्डिंग, अगर आप देखोगे तो ये वेल्डिंग यहां तक करी हुई है। अभी क्यों करी हुई है, ताकि मैं इन प्लेट्स को, देखो 2 टाइप की रन ऑन और रन ऑफ प्लेट होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। परमानेंट में यार मेरे पास एक फोटोग्राफ था, वो लगाना शायद मैं भूल गया, इधर था वो भूल गया मैं, देखो एक फोटो में इधर लगा था भूल गया मैं, चल कोई बात नहीं। अगर हम रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स की बात करते हैं तो 2 टाइप के रन ऑन हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास ये 2 एक्सेप्शन केसेस आगे की, आपने रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट यूज करी हुई है, या थिकनेस ऑफ मेंबर आपकी 20 mm से कम है, तो जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वेल्ड होती है वो इफेक्टिव लेंथ नहीं होती। सिंपल सा कनेक्शन है, तो उसमें आप जो लेंथ है वही आपकी इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखना, होता क्या है, ये पेरेंट मेटल है, हम वेल्डिंग को और स्ट्रेंथ देने के लिए, इस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी बन जाए, इस वेल्डिंग को आगे तक निकाल देते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। अब टेम्पररी का लफड़ा क्या है, इस फोटो को मैं बड़ा ही करता हूँ, वेट करो आप, मैं बड़ा ही कर देता हूँ उसको, अब थोड़ा अच्छे से और देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई, जब मुझे वेल्ड को एडिशनल स्ट्रेंथ देनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे से 2 टुकड़े से लगा देता हूँ,
स्टील का एक सेक्शन में यहाँ पर आगे लगा देता हूँ, इधर भी एक आगे लगा देता हूँ, बस इस सेक्शन की खास बात है इस सेक्शन की थिकनेस वो ही होनी चाहिए जो आपके पेरेंट मेटल की थिकनेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पेरेंट देखो ध्यान से देखना जो आपकी पेरेंट मेटल की थिकनेस है ध्यान से देखना जो आपकी पेरेंट मेटल की थिकनेस है ध्यान से देखना वो ही इसकी थिकनेस होती है। अगर ये पेरेंट मेटल की थिकनेस है तो इसकी थिकनेस में कितनी होगी, टी। अब देखो टेम्परिंग का मतलब क्या होता है कि आपने प्लेट्स ज्वाइन करे और फिर इनको निकाल दिया ताकि यहाँ पर आप देखो क्या होता है कि वेल्डिंग का अगर हम बिल्कुल कोने तक लेके जाते हैं ध्यान से देखना, अगर हम वेल्डिंग को बिल्कुल कोने तक लेके जाते हैं तो हो सकता है वेल्डिंग का थोड़ा सा पोर्शन बच जाए और वेल्डिंग अच्छे से ना हो पाए। तो हमने क्या करा कि यार वेल्डिंग इस कोने पर अच्छे से नहीं होगी तो हमने दो प्लेट्स लगा दी और वेल्डिंग को पूरा लंबा खींच दिया। क्यों? फिर हम इन दोनों पीसेस को निकाल देते हैं, फ्लैश आउट कर देते हैं, स्लैब की तरह तोड़ देते हैं इसको, तो ये आपकी बिल्कुल अच्छी से वेल्डिंग यहाँ पर मिलती है। और दूसरी क्या होती है, परमानेंट रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स, जिसमें ये प्लेट्स कंटिन्यू लगी रहती है। अब कहानी ये है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करेंगे हम कि एंड में भी वेल्डिंग अच्छे से आ जाए एंड ये जो एंड वाला पोर्शन है इसमें वेल्डिंग अच्छी आ जाए तो हम रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स यहाँ पर लगा देते। कहने का मतलब है हम वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और अच्छा कर देते इन केस ऑफ बट वेल्डिंग। आपको चीजें ध्यान से सुननी पड़ेगी, इन केस ऑफ बट वेल्डिंग। अब आप ध्यान से देखना, अब ये रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स जो आप लगाते हो इसकी क्राइटेरिया है कि इसकी थिकनेस जो होती है वो थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल के बराबर ही होती है, बट इसकी जो विड्थ होती है, अगर आप देखोगे इसकी जो विड्थ होती है वो मिनिमम 40 mm होनी ही चाहिए। और ये रहा आपने बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहीं पर भी आपको मिलेगा, एग्जाम में मिल जाएगा बट बुक्स वालों ने इसको देख नहीं रखा हुआ, कुछ बुक्स से देख रखा हुआ है, कुछ बुक्स से बिल्कुल देख नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने बट वेल कनेक्शन में रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स यूज करी है तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका क्या बनता है कि इसकी थिकनेस क्या बनती है, जो थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल होती है दोनों बराबर होती है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनता है कि जो इसकी विड्थ होगी ना रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स की वो मिनिमम से मिनिमम आपकी 40 mm होनी चाहिए और ये विड्थ ही आपकी इफेक्टिव लेंथ बनती है, ये विड्थ ही आपकी इफेक्टिव लेंथ बनती है। अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे, आप इधर देखो, मान लो अगर मैं इस वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ देखो, आप ध्यान से देखना आपको मजा आएगा, अगर मैं लिखूं तो वेल्ड ऑफ जो लेंथ वेल्ड की लेंथ है वो यहां से लेके आया था कि आप बोलोगे हां सर ये देखो जो लेंथ है वो इस प्लेट की विड्थ के इक्वल दे रखी है। यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये चीजें देखकर नहीं रखी हुई है, बहुत सारी बुक्स में चीजें देखकर नहीं रखी हुई। अगर आप देखोगे तो इस केस में ये इफेक्टिव लेंथ ली गई है, ये विड्थ ऑफ प्लेट ली गई है जो कि मिनिमम से मिनिमम हम इतना लेते हैं। तो क्या हमने पढ़ा था कल के केस में कि अगर आपका सिंपल सा बट कनेक्शन है मिनिमम आपको 4 साइज ऑफ जो मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड देनी है वो 4 टाइप्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड देनी है, बट इन केस अब हमें क्या होता है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टू केसेस व्हेन द फुल विड्थ, अब ध्यान से देखना, व्हेन द फुल विड्थ ऑफ द जॉइंट और पीस शैल बी टेकन एज द इफेक्टिव लेंथ, जो पीस हमने जोड़ा है उसकी विड्थ को हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। यहाँ पर आपको चीजें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आगे देखो जो मैंने आपको लिखा, जो मैंने आपको समझाया वो लिखा हुआ है, ये रेड से पढ़े ग्राउंड से पढ़ लेते, ठीक है। द एंड्स ऑफ द बट वेल्ड आर एक्सटेंडेड, क्या होता है जो बट वेल्डिंग के एट एंड्स होते हैं अब उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि जो एंड में प्रॉब्लम होती है वेल्डिंग की वो प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। द एंड्स ऑफ द बट वेल्ड आर एक्सटेंडेड पास द एजेस ऑफ द पार्ट, जो पेरेंट मेटल है हम उसके आगे भी कर देते हैं, जॉइंट बाय द यूज ऑफ रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स। पहली बात तो आपको है ना बहुत मुश्किल से, आप इंटरनेट पे भी यूज, मैं आपको बोलता हूँ आप गूगल पर सर्च करो, गूगल पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स होती क्या है। ये ना चीजें ना बहुत मुश्किल से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इन चीजों को थोड़ी इज्जत करना। ये रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट आप गूगल में सर्च, बुक्स तो भूल जाओ कि बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स क्या होती है तो जब आप एक घंटा लगा दोगे ना तो एक घंटे के बाद आपको पता लगेगा जो शुरुआत वाली होती प्लेट उसको रन ऑन बोलते हैं, खत्म वाली होती है उसको रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि दो टाइप की प्लेट्स होती है, दो टाइप की प्लेट्स नहीं होती, अरे जो शुरुआत करी रन ऑन, जो शुरुआत ऑफ करी और रन ऑफ, ठीक है। रन ऑफ प्लेट्स विद अ सिमिलर जॉइंट प्रिपरेशन एंड ऑफ रीजनेबल थिकनेस, थिकनेस कितनी, जो थिकनेस हमारी पेरेंट मेटल की है उतनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए, विद अ रीजनेबल थिकनेस नॉट लेस देन द थिकनेस ऑफ द पेरेंट मेटल, पार्ट जॉइंट मतलब जो पेरेंट मेटल हम जॉइन कर रहे हैं उतनी थिकनेस तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, कभी भी कम थिकनेस का जॉइन नहीं कराता। एंड ऑफ लेंथ नॉट लेस देन 40 mm, मैंने क्या बोला
जो उसकी विड्थ है, जो उसकी लेंथ है वो 40 एमएम से कम। देखो ग्राफ देखोगे, ये जो इसकी विड्थ है और ये जो इसकी लेंथ है वो 40 एमएम से कम आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। जनरली विड्थ में हम डिस्कस करते हैं एंड द लेंथ नॉट लेस देन द 40 एमएम इफ रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स आर रिमूव्ड। मैंने क्या बोला, दो टाइप की रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स होती है, एक होती है टेंपरेरी, उसको रिमूव कर दोगे तो अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। इफ द रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट्स आर रिमूव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेल्ड द एंड्स ऑफ द वेल्ड शैल बी स्मूथ एंड फ्लश। देखो जी क्या होता है, जब भी वेल्डिंग, मैंने आपको एक वर्ड बोला था फ्लश, जब भी देखो फ्लश का मतलब क्या होता है, आप लोग फ्लश तो जानते ही हो, किसी भी चीज को साफ करना मतलब फ्लश होता है। किसी हम घर में भी करते हैं फ्लश, है ना, फ्लश का मतलब क्या होता है, जो गंदगी है उसको साफ कर दो। तो क्या होता है कि जो वेल्डिंग है, अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए तो जो वेल्डिंग का रीइंफोर्समेंट निकला होता है, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेल्डिंग में जो रीइंफोर्समेंट निकला होता है, कभी कभी उस रीइंफोर्समेंट को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है ताकि इवन सरफेस मिल जाए। जैसे ही मैं आपसे बात करता हूं, अगर हमने ये बट वेल्डिंग यहां पर करी हुई है तो ये जो आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर से एक रीइंफोर्समेंट क्या होता है, थोड़ा सा ये देखो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, थोड़ा सा पहले रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेल्ड होता है वो एक्स्ट्रा वेल्ड हम क्यों देते हैं, ताकि अच्छी सी स्ट्रेंथ आ जाए, और बाद में रीइंफोर्समेंट को रिमूव कर दिया जाता है तो एक अच्छी सी स्मूथ सरफेस हमें यहां पर मिल जाती है। तो रीइंफोर्समेंट आप रीइंफोर्समेंट को रिमूव भी कर सकते हो, तो रीइंफोर्समेंट को जनरली हम रिमूव भी करते हैं ताकि हमें इवन सा स्मूथ सा सरफेस मिल जाए विद द एजेस ऑफ अबेटिंग पार्ट्स। लिखो इसको, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है जो कल मैंने शुरुआत कर दी थी केस नंबर 1 की, ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूं आपके केस नंबर 2 पर, अब मैं आ रहा हूं केस नंबर 2 पर। अब अगर केस नंबर 2 की बात करें तो फिर हाँ यार डायग्राम बनाओ तो ये मिलता नहीं है कहीं पर, बहुत कम बुक्स में देकर रखा हुआ है फिगर, जो आपने मैंने दिया हुआ है आपको बहुत कम देकर रखा, ठीक है ध्यान से देखना। अगर हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं भाई, इफ आपके पेरेंट मेटल की जो थिकनेस है वो 20 mm से ज्यादा नहीं है, अगर आपके पेरेंट मेटल की जो वेल्ड है, पेरेंट मेटल की जो सॉरी पेरेंट मेटल की थिकनेस है, पेरेंट मेटल की जो थिकनेस है 20 mm से स्मॉलर है, अगर आपकी पेरेंट मेटल की जो थिकनेस है वो 20 mm से स्मॉलर है, और उसमें जनरली अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा नहीं, मैं देखो एक बार, आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है बट मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये पार्ट से मैं आपको पार्ट बनाता हूँ, देखो ये रहा पार्ट जिसको मेरे को ज्वाइन करना है, ये पार्ट है, इसमें जो मैंने ग्रूव दे रखा है वो वी ग्रूव दे रखा है, डबल वी ग्रूव है, ये देखो ये मेरा पार्ट आपके सामने बना दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना है ना, ये देखो ये पार्ट है आपका जो मैंने रेड से बना दिया आपको, अब देखना ध्यान से, और ये आपका देखो ये आपका पीसेस, देखो जो डबल वी ग्रूव होता है वो सबसे कॉमन आपका बट वेल्ड टाइप है, हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्डिंग करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट जॉइंट्स भी थे आपके, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने बट जॉइंट्स देखा था किस किस तरीके से अलग होते हैं, तो डबल वी ग्रूव है आपका। डबल वी ग्रूव में फायदा क्या होता है, पहली बात है फुली पेनिट्रेशन देता है आपको, फुली पेनिट्रेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है नो डाउट। हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस स्ट्रक्चर में, अब आपको एक बात बता देता हूँ, जिस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं या बहुत ज्यादा लोड लगता है उस पर कभी भी पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड नहीं दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने अभी एक बात बोली, अगर आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस हैं तो आप उस स्ट्रक्चर में कभी भी पार्शियल पेनिट्रेशन नहीं दोगे, पार्शियल पेनिट्रेशन इज नॉट यूज फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम कभी भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर में वेल्डिंग करेंगे, लाइक मैं बोल रहा हूँ आपने ट्रेन का ब्रिज बनाया, उसमें आपको कई जो ट्रेन का ट्रस ब्रिज होता है आपने देखा होगा, ट्रस यूज करते हैं ट्रेन में, कभी अगर हम ट्रेन में जाते हैं नदी होती है तो वहां पर एक ट्रस बना हुआ होता है, स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसके ऊपर से धड़म धड़म आवाज आती है क्योंकि आपकी ट्रेन स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर से निकल रही होती है, उसमें वाइब्रेशन आते हैं, और जिन स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन आते हैं हम कभी भी वहां पर पार्शियल पेनिट्रेशन टेस्ट यूज नहीं करते हैं, सॉरी पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड कभी भी यूज नहीं करते हैं, और जिन स्ट्रक्चर वाइब्रेशंस नहीं है डेड लोड है वहां पर आप पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड को यूज कर सकते हो। दूसरा अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं,
पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड में। यार मेरे डाउट है कि मेरे से स्लाइड मिस हो गई है, यार मुझसे मिस हुआ एक चीज, मुझे एक स्लाइड लगानी पड़ेगी इसमें। हाँ मिस हो गई मुझसे एक स्लाइड, मैं लगाऊंगा आपकी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिस हो रहा है, बताऊंगा आपको मैं। ठीक है इसको अभी हम बाद में देखते हैं, कुछ चीजें मुझसे इसमें एक दो स्लाइड मिस हो रही है, चलो हम छोड़ते हैं। और हाँ बात करते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन की, हम बात करते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन की, फुली पेनिट्रेशन की। तो सबसे पहली बात, जब भी स्ट्रक्चर्स पे वाइब्रेशंस और हैवी लोड होता है तो कभी भी पार्शियल पेनिट्रेशन वैल्ड यूज नहीं कराया जाता, हमेशा फुली पेनिट्रेशन वैल्ड यूज कराता है। और एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं, मान लो किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगा, तो जो अगर हमने किसी भी मेंबर्स में अगर फुली पेनिट्रेशन वेल्ड यूज कर रही है तो उस वेल्ड की हम उतनी स्ट्रेंथ मानते हैं जितनी पैलेट मेटल की है। ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना मेरी बात, आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। पहली बात आपको समझ में आ गया, वाइब्रेशंस के लिए हम फुली पेनिट्रेशन वेल्ड यूज करते हैं और नॉन वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए पार्शियल पेनिट्रेशन यूज कर सकते हैं, वैसे बहुत कम जगह पार्शियल पेनिट्रेशन यूज होता है। दूसरी बात, अगर आपने फुली पेनिट्रेशन वेल्ड करा है और उस दो मेंबर्स को आपने ज्वाइन करा है, तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो वेल्ड है उसकी भी स्ट्रेंथ पैरेंट मेटल के इक्वल ही आ रही है। बट अगर आपने मेंबर्स को, क्योंकि लिखावरी में कह रहा हूं ना कुछ स्लाइड्स मिस हो रही है इसमें से, मैं देखता हूं मेरे को मेरे टैबलेट में वो होगी, मैं स्लाइड्स अभी लगा देता हूं इसमें, है ना। अगर मैंने जो बोला ध्यान से सुनना, अगर आपका जो पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड है, अगर हमने किसी भी मेंबर में पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड करी है, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं जो वेल्डिंग है उसकी कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि लोड को बियर या रेजिस्ट करने में काम आएगा। तो देयर आर टू डिफरेंट केसेस फॉर लोड कैरिंग कैपेसिटी, दो चीजें बताई मैंने आपको, मैं अभी आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पार्शियल एंड फुली, क्योंकि अभी फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की बात आ रही थी तो मैंने सोचा पार्शियल का बता दूं। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो जो फुली पेनिट्रेशन वेल्ड होता है हम उसमें ये लेके चलते हैं कि जो वेल्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पैरेंट मेटल के इक्वल आएगी। बट अगर हमने पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड करा हुआ है तो उस वेल्ड की स्ट्रेंथ हम यूज नहीं करते हैं। आ जाओ इधर, तो अब क्या है ये, यहां पर डबल वी बट जॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि हमेशा आप ध्यान से देखना, जो सबसे कॉमन जॉइंट होता है फॉर बट जॉइनिंग जिसमें आपको फुली पेनिट्रेशन करना है, हम कौन सा यूज करते हैं, डबल वी, डबल वी। मैं तो बोल रहा हूं कुछ लोग आप में से थर्ड ईयर फाइनल ईयर में होंगे, आप आराम से स्टील स्ट्रक्चर्स का, आप आराम से स्टील स्ट्रक्चर्स का अपना प्रोजेक्ट उठा लो, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट उठाने के लिए ना बहुत दम चाहिए होता है। और आप देखो आपको प्रोफेसर आपसे खुश नहीं होगा ना तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। आपका प्रोफेसर आपको बोलेगा यार आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, किससे पढ़ रहे हो ये बताए, पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर डबल वी बट जॉइंट है जिसकी थिकनेस, जिस पैरेंट मेटल की थिकनेस 20 mm से कम है, और मैंने कहा था कि 20 mm से कम है, और अगर इसमें हमें फुली पेनिट्रेशन वेल्ड देना है, और इसमें हमें फुली पेनिट्रेशन वेल्ड देना है, हमें इसमें फुली पेनिट्रेशन वेल्ड देना है, तो आपको अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, ब्राउन से ले लूं, इस ब्लू से ले लेते हैं, देखो थिकनेस ऑफ मेंबर देखना, देखो ध्यान से देखना, ये थिकनेस ऑफ मेंबर है, ये थिकनेस ऑफ मेंबर है, ये थिकनेस ऑफ मेंबर है, ये थिकनेस ऑफ मेंबर है। अगर हम थिकनेस ऑफ मेंबर की बात करें तो जो वेल्ड है ना आपका कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ है, देखो यहाँ पर ये वेल्ड एक्स्ट्रा निकला हुआ है, क्लियर येलो कलर से बताता हूं मैं, आप देखो कि जो थिकनेस ऑफ मेंबर है उससे वेल्ड कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है। दैट मींस जब पैरेंट मेटल की थिकनेस आपकी 20 mm है और आपने फुली पेनिट्रेशन दे रखा है, और जनरली फुली पेनिट्रेशन वेल्ड देकर रखा हुआ है, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड के लिए हम जो फुली पेनिट्रेशन वेल्ड के लिए हम तो जनरली टाइप ऑफ बट जॉइंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डबल वी। अगर इस डबल वी में आप देख सकते हो तो जो वेल्ड है जो थिकनेस तुम यहां रखती, तो हमने इधर एक्स्ट्रा वेल्डिंग कर दी, इधर एक्स्ट्रा वेल्डिंग कर दी, इधर एक्स्ट्रा वेल्डिंग कर दी, इधर एक्स्ट्रा वेल्डिंग कर दी। अब आपको एक सिंपल सी बात देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये V बना हुआ है आपका, ये V बना हुआ, हम इधर अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, इधर इरेज कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे ये देख लेंगे आप ध्यान से, ब्राउन से ले लेते हैं, ये डबल V है ना, ये देखो V, ठीक है, ये दो V बन रहे हैं आपके कुछ इस तरीके से, है ना, ये दो V बन रहे हैं, ध्यान से देखिए आपने, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना, ये जो विड्थ है इसको हम बी मान लो,
ये जो विड्थ है, देखो मैं इसको पीसेस को भी बना देता हूँ, ये पीसेस आपने बना दिए, ये पीसेस आपने बना दिए, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बी। अब हम जो, अब ध्यान से देखना, अब हमें अगर पेरेंट मेटल की थिकनेस 20 mm से कम है, अगर पेरेंट मेटल की थिकनेस 20 mm से कम है और फुली पेनिट्रेशन वेल्ड है, तो हम जो वेल्ड अप करेंगे इसमें, देखो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वेल्ड, देखो ध्यान से, हम देखो अगर हम फेस की बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बी आ गई। अब हम जो वेल्ड करेंगे वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल करते हैं इस तरीके से, एक्स्ट्रा, ये देखना, ये देखो एक्स्ट्रा वेल्ड करते हुए चलते हैं, That means, जहां पर ये बी खत्म हो रहा है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा वेल्ड करके चलते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये ऊपर और नीचे का तो आप रीइंफोर्समेंट मान लोगे, बट ये वाला रीइंफोर्समेंट नहीं है। अब क्या होता है, ये जो हमने एक्स्ट्रा वेल्ड करी है, जो इस पूरे बीच की विड्थ थी वो कितनी थी बी। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक की विड्थ की बात करूं बी डैश की, तो ये बी डैश हमेशा होना चाहिए डेढ़ गुना ऑफ, दैट मींस इस फेस से लेके वेल्डिंग के इस फेस से लेके वेल्डिंग के इस फेस तक की जो बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1.5 V होनी चाहिए। और जिस की तरीके से इस वाले केस में जो इसकी विड्थ थी वही आपकी इफेक्टिव लेंथ बनी थी, इस केस में ये जो विड्थ होती है ये बनती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। बहुत डीप टॉपिक है, देखो जी घास काटने में घास काट सकता हूँ मैं, तो घास काटूंगा नहीं, मैं तो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जितना मैं पढ़ा सकता हूँ, और बहुत डीप लेके जाऊंगा आपको टॉपिक्स में, टेंशन ना लो। तो ये दो केसेस ऐसे हैं, अगर हमने इफेक्टिव लेंथ की बात करी, रट नहीं सकते हो आप इन चीजों को, जब तक समझोगे नहीं ना रट नहीं सकते हो आप इन चीजों को। अगर आप सोचोगे मैं रट लूंगा तो भूल जाओ भैया, नहीं रट पाओगे आप लोग, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, मुझे एक बंदा ला के दिखा देना कि सर आप देखो कि ये देखो सर ये तो आपसे भी डीप पढ़ा रहा है, मान ही नहीं सकता मैं, मान नहीं सकता कि पूरे इंडिया में मुझसे डीप इस टॉपिक को किसने, मतलब सारे टॉपिक में पढ़ाता हूँ बट मैं स्टील स्ट्रक्चर्स पर और ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स ऐसा सब्जेक्ट है। अब बच्चा बोलता है सर हमारी पूरी इंजीनियरिंग अच्छी बट हमारी स्टील स्ट्रक्चर्स अच्छी नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर्स अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स बुक्स में अच्छी, एक इंजीनियरिंग का बच्चा या कोई सरकारी तैयारी करने वाला बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, किताबों से पढ़ेगा, किताबों में स्टील स्ट्रक्चर्स ढंग से दे ही नहीं रखी, ये चीजें दे ही नहीं रखी तो कहाँ से पढ़ोगे आप ढंग से, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने ये बात डिस्कस करी, अब क्या टॉपिक है, जब सिंपल सा बट वेल्डिंग था तो जो उसकी थ्रू आउट लेंथ थी वो हमने इफेक्टिव लेंथ मान ली थी, बट अगर आपने रन आउट एंड रन आउट प्लेट यूज करी तो जो उसकी विड्थ होगी वो उसकी इफेक्टिव लेंथ बनेगी, और इस केस में जो ये विड्थ बी डैश है, ये जो विड्थ बी डैश है ये बनेगी इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ये बनेगी इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। अब देखो जो मैंने आपको समझाया, तो हमने इफेक्टिव लेंथ के तीन केसेस करे, बस सिंपल सी थ्रू आउट जारी, तो हमने पेज नंबर 1 पे मैं आपको स्लाइड बनाता हूं, इस केस में ये केस नंबर 1 हो गया, इस केस में क्या होता है जो थ्रू आउट वेल्ड कर रहा है वही इफेक्टिव लेंथ बनता है। उसके बाद हमने सेकंड केस डिस्कस करा, कौन सा हमने सेकंड केस डिस्कस करा, ये वाला, ये होगा केस नंबर 2। इस केस में क्या होता है जो थिकनेस ऑफ प्लेट्स होती है वो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है, और थर्ड केस हमने यूज करा ये वाला, दैट मींस तीन केसेस से मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड बताई है जो कि होती है 1.5, जो भी इस बीच की जो भी बन रहा है इस बीच का जो भी है वो इसका आपका डेढ़ गुना होना चाहिए, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, अब मैं बता देता हूं, लिख लेना, द पेरेंट मेटल, इफ द पेरेंट मेटल इज नॉट मोर देन 20 mm थिक, अगर पेरेंट मेटल आपका 20 mm से ज्यादा नहीं है, ठीक है, द एंड शैल बी चिप्ड और कट बैक टू अ सॉलिड मेटल, क्या बोला, जो इसका एंड होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना इस जगह, आप ध्यान से देखो यहां पर जो देखो ये जो एज आ रही है ना, तभी आ रही फ्यूजन लाइन, हमने वेल्ड इस फ्यूजन लाइन तक ही करा है, और अगर हम बात करें तो हमने इस वाले केस में फ्यूजन लाइन से ज्यादा हमने इस लाइन में, पता मुझे दुख क्या होता है यार, मैं इतना डीप पढ़ाता हूँ आप थैंक यू नहीं बोलते यार, वैसे आप खुश तो होते हो भैया, एक रिकॉर्ड है अपना, आज पढ़ाते पढ़ाते 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल में 2 रिकॉर्ड है अपने, तो टीके पड़े हैं भैया, हम भागने वाला मुझसे नहीं है। दूसरा, इस 2.5 साल में एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ये बोला सर आप बहुत फर्जी पढ़ाते हो, तो ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, हमारी फर्जीनेस क्या है कि हम थोड़ा इरेगुलर हो जाती है, हमारे फर्जी बना है कि हम इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर क्यों होते हैं, हम सब काम करने वाले लोग हैं, अब काम में कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि देखो काम तो छोड़ नहीं सकते ना यार, वो तो प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी नहीं है, बट काम नहीं छोड़ सकते तो कभी कभी हम फंस जाते हैं, हम सारे काम करने वाले लोग हैं ऐसा, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा फंस जाते हैं, तो इसलिए हम रेगुलर हो जाते हैं, बट एट टाइम हम टिके हुए, आज नहीं 2.5 साल बाद भी, 4.5 साल बाद भी टिके रहेंगे, 6.5 साल बाद भी टिके रहेंगे, 10.5 साल बाद भी टिके रहेंगे, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है,
आदमी, ये मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे किसी कोई चीज़ का लालच तो है नहीं कि मैं लालच, कुछ चीज़ मिली तो पढ़ा दिया, कुछ चीज़ नहीं मिली तो नहीं पढ़ाया, अपन को लालच तो है नहीं रुपये का भी, ठीक है, अपना पैशन है पढ़ाना तो उसको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप आगे की बात डिस्कस करें तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो क्या लिखा इसने, और कट बैक टू सॉलिड मेटल एंड वेल्ड्स अप्लाइड हैविंग अ विड्थ नॉट लेस देन 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स द वी ओपनिंग बिटवीन द पार्ट जॉइन टू फिल आउट द एंड्स ऑफ द सेम रीइंफोर्समेंट एज द फेसेस ऑफ द फैन। और इस केस में जो बी डैश होगा आपका वो बनता है आपका इफेक्टिव लेंथ। लिखो इसको पूरा, अब मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। और इसमें दो चीजें और मेरे को लगता है मुझे दो स्लाइड और लगानी है, तो मेरे को एक सेकंड दो, मैं आप पानी भी लेता हूँ, स्लाइड भी लगा देता हूँ। स्लाइड में तो मिल ही रही है टैबलेट में, मैंने ढूंढा पूरा, मिला नहीं मेरे को, बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं आपका आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। क्या चीज में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ, वो मिली नहीं स्लाइड, पता नहीं वो कहाँ मिक्स हो गई, क्योंकि वो मेरे सिस्टम पे यार बहुत ज्यादा स्लाइड्स पड़ी थी, मिल गई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं इफेक्टिव थ्रो टेक्निक्स की, यहाँ पर ध्यान से आप देख लो, हमने दो टाइप के इफेक्टिव थ्रो टेक्निक्स पढ़ी थी। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो यहां पर था फुली पेनिट्रेशन वेल्ड था, और अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें तो यहां पर था हमारा पार्शियल पेनिट्रेशन, लाइक सिंगल ही है ना, पार्शियल पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे थे। अगर हम मान लो पार्शियल पेनिट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखो, आप इसी जगह पर लिखा था, एक नोट डाल देना, ठीक है। देखो लाइक ये हमने प्लेट कर ली, ये क्या है, अगर मैं मान लो इसके अंदर वेल्ड करता हूं, अगर मैं यहां पर वेल्ड करता हूं तो देखो, अगर मैं वेल्डिंग करूं अंदर तो ये फुली पेनिट्रेशन वेल्ड नहीं होगी, ये पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पर लिखा हुआ नहीं था तो चलो कोई बात नहीं, ये फुली पेनिट्रेशन वेल्ड है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक पोर्शन ऐसा है जिस पर वेल्डिंग नहीं हुई है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जिस पर वेल्ड नहीं होती है, अनवेल्डेड पोर्शन बोलते हैं इसको, दिस इज वेल्डेड पोर्शन, दिस इज वेल्डेड पोर्शन, एंड दिस इज अनवेल्डेड पोर्शन, अनवेल्डेड पोर्शन। पार्शियल पेनिट्रेशन का तो मतलब यही है कि एक जगह तक पर आप 100% पूरी डेप्थ क्या दोस्तों उस पर वेल्डिंग करोगे नहीं, इसी का मतलब पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड होता है। अगर बात ये आती है, वो ये पूछेगा आपसे कि ये अनवेल्डेड पोर्शन कितना छोड़ा जाता है, तो सिंपल सा फंडा है, ये जो अनवेल्डेड पोर्शन है, ये जो आपका अनवेल्डेड पोर्शन है, इसकी थिकनेस कभी भी शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अब आप ध्यान से सुनना मेरे क्या बोला आपसे, क्या बात डिस्कस हुई हमारी, थोड़ा ध्यान से सुनना, हमने ये बात डिस्कस करी है कि भाई अगर हम इस पार्शियल पे, अगर हमने जो अफेक्टिव थ्रो थिकनेस के बात करते, एक तो हमारा फुली पेनिट्रेशन था जिसमें हम इनके बीच में फुली पेनिट्रेशन वेल्ड कर रहे थे, इस तरीके से फुली पेनिट्रेशन वेल्ड कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा इनके बीच में वेल्ड कैसे करा जाता है, यहाँ पर तो इक्वल क्रॉस सेक्शन था, इक्वल थिकनेस थी, तो हमने फुली पेनिट्रेशन वेल्ड कर दिया, इनके बीच में भी फुली पेनिट्रेशन वेल्ड ही होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या चीज होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अगर हम पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड की बात करते हैं, तो पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड में कुछ पोर्शन पे तो वेल्डिंग होती है और कुछ पोर्शन पे वेल्डिंग नहीं होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो अनवेल्डेड पोर्शन होता है, इसकी जो डेप्थ होती है या इसकी जो थिकनेस होती है, मान लो टी है, ये भी टी है, तो जो इसकी डेप्थ या थिकनेस होती है वो कभी भी 1/4 शुड नॉट बी मोर देन 1, अच्छा 1/4 लिखा, शुड नॉट बी मोर देन 1/4, दैट मींस ये कभी भी जो भी थिकनेस है इससे 1/4 से ज्यादा नहीं छोड़ते हैं। जैसे मान लो 10 mm है, 10 mm का 1/4, 10 मान लो इसकी थिकनेस है 10 mm, 10 mm का 1/4 कितना होता है 2.5 mm, भाई मान लो चलो कि 10 सेंटीमीटर की है प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर, 10 mm तो बहुत छोटा रहता है, मान लो
10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर का 2.5% कितना हो गया भाई, 1/4 तो क्या होता है 25% ही होता है भाई, 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 25% ही आएगा, तो या 0.25 आएगा अगर परसेंटेज ना लो, तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो क्या आएगा 2.5, दैट मींस ये जो अनवेटेड पोर्शन होता है ये मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर तक ही आप छोड़ सकते, दैट मींस ये जो अनवेटेड पोर्शन होता है, ये जो अनवेटेड पोर्शन होता है इसको आप कभी भी 1/4 से ज्यादा नहीं छोड़ोगे। और दूसरी बात, अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी थिकनेस कितनी होगी, सेम वही थिकनेस कितनी होगी इसकी, सेम यही 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट, समझ में आई ये बात, एक्चुअली कल स्लाइड मिस हो गई थी तो मेरा भी इस पर ध्यान गया नहीं, फिर आज मैंने देखा था यार सुबह मैंने देखा था कि मेरे पास ये स्लाइड थी पर मिल नहीं रही है क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठी होकर रखी थी, मैंने मिस हो गया पूछने वाला, तो क्या डिस्कस करें हमने कि अभी ये मैं आपसे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात ही कर रहा हूँ कि पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड में ये जो पोर्शन होता है जिस पर हम वेल्डिंग नहीं करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आप जो छोड़ सकते हो ये 1/4 होता है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर ही छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा इसको नहीं छोड़ा जाता। दूसरी बात, अब जो बचा है जिस पर वेल्डिंग करनी है उसकी जो वेल्डिंग करोगे वो मिनिमम से मिनिमम 5/8 तो आपको करनी ही है, ठीक है जी। अब अगली बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन था जो मैं, अच्छा आप लिख लो इसको बनाओ, जहां पर हमें पार्शियल पेनिट्रेशन कर साइड में ये डायग्राम बना लो, शुड नॉट बी मोर देन 1/4 टाइम, should not be more than, ये लिख लो, ये थोड़ा कर छूट गया था हमारा, ये आप लिख लो इस तरीके से, कोई चीज छोड़ेंगे थोड़ी हम यार, जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। अब आगे की बात हम डिस्कस करते हैं, लिख लिया होगा, ठीक है, अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें यार, ठीक है, तो यार अगर आप ध्यान से देखा, ठीक है, इस टाइप के बेल्ट को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस वेल्ड, इस टाइप के वेल्ड को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस, इस टाइप के वेल्ड को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस वेल्ड, वही कॉन्टिन्यू कर रहे थे आपने बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस वेल्ड यहां से स्टार्ट करा यहां पर खत्म करा, इस टाइप के वेल्ड को क्या बोला जाता है कॉन्टिन्यूस वेल्ड, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता देता हूं, इस टाइप के वेल्ड को बोला जाता है यहां से स्टार्ट करा पूरा कंटिन्यू थ्रू आउट मारा वेल्ड आपने यहां पर, देखो प्लीज ध्यान से देखना, बुक्स में ज्यादा ढंग से नहीं देकर रखा हुआ है, चाहे वो आईएएस की बुक है चाहे कुछ भी हो, मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, पर मैं खुला चैलेंज करता हूँ, कोई पढ़ाता नहीं इतना डीप, कोई भी कोई पढ़ाता है नहीं इतना डीप, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कोई एक आधा टॉपिक पढ़ा सकता है कि देखो मैं तो उससे भी डीप पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे पास सुन के कुछ लोग जाग जाए और वो आपको एक दो टॉपिक पढ़ा दे दिखाने के लिए, बट वो थ्रू आउट मैंने अपने पूरे जितने भी लेक्चर्स दिए हैं ना 1000 से ज्यादा लेक्चर बना चुका हूँ आज की तारीख में, लोग बोलते हैं सर आपने क्या गेन करा है, मैंने कहा 1000 से ज्यादा लेक्चर बनाए ये गेन करा है, 1000 से ज्यादा लेक्चर बनाना कोई आसान काम है क्या, 1000 लेक्चर्स किसी ने भी नहीं दिए होंगे आज तक, मतलब पढ़ाया डीप पढ़ाया मतलब क्या करें, ठीक है, तो इस टाइप के वेल्ड को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेल्ड, यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ से स्टॉप कर दिया। अब बहुत अलग टाइप का वेल्ड होता है इंटरमीडिएट वेल्ड, इंटरमीडिएट वेल्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे इफेक्टिव लेंथ पढ़ रहे थे, इफेक्टिव थ्रो थिकनेस पढ़ते हैं, हम इंटरमीडिएट वेल्ड की बात कर रहे थे, अब ध्यान से देखना, और सॉरी कंटिन्यूस वेल्ड के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जो एक जगह से शुरू हुआ दूसरी जगह पर रफर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैं आपको वेल्ड बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये दो प्लेट्स हैं पेरेंट मेटल वन, ये लिख देता हूँ मैं पेरेंट मेटल वन, पेरेंट मेटल टू, पेरेंट मेटल टू, पेरेंट मेटल वन पेरेंट मेटल टू, और आप बच्चे जो बोल रहे थे सर वेल्डिंग 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 वेल्डिंग, अपना क्या यार वेल्डिंग छूटा हुआ था है ना, तो वेल्डिंग पढ़ा दिया यार, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, बच्चे बोलते हैं सर आपने वेल्डिंग नहीं पढ़ाया था, तो स्टील स्ट्रक्चर्स वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो वेल्डिंग पढ़ा दिया यार आज की तारीख में, ठीक है। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन चालू करने आ रहा हूँ वापस से, बेफिक्र रहो, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में मंडे से, हम लोग दूसरी वेल्डिंग उन्होंने करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरी वेल्डिंग उन्होंने करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप देखोगे तो ये जो वेल्डिंग है कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग नहीं है, पहली बात तो अभी हम बट वेल्डिंग ही पढ़ रहे हैं, पहली बात तो अभी तक हम बट वेल्डिंग ही पढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वेल्डिंग है वो कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग नहीं है,
यहां पर वेल्डिंग करी फिर छोड़ी, वेल्डिंग करी फिर छोड़ी। तो सिंपल सा फंडा है इसको, आप देखो जो थ्रोट थिकनेस की बात होती है सेम टू सेम कंटीन्यूअस वेल्ड की तरह चलेगा। अगर हम थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं, अगर हम लोग थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं तो वैसे ही चलेगा जैसे कंटीन्यूअस वेल्ड था। बट अगर अब यहां पर बात करें लेंथ की, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अब यहां पर हम बात करते हैं लेंथ की, तो यार इसकी लेंथ तो कंटिन्यू है ही ना, छोड़ी हुई है। देखो बीच बीच अगर आप देखोगे तो छोड़ी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है जो इंटरमीडिएट फेल्ड होता है। देखो जी आपने जब मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो अगर जो कंटीन्यूअस वेल्ड है वो नॉर्मल फोर्स को भी झेल लेगा, वो शियर फोर्स को भी झेल लेगा। दैट मींस उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होता है और शियर स्ट्रेस भी जनरेट होता है। इंटरमीडिएट की खास बात क्या है, ये नॉर्मल फोर्स में टूट जाता है। आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी मेरी बात। अगर हम कंटीन्यूअस की बात करें, कंटीन्यूअस वेल्ड में तो नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट हो जाता है और शियर स्ट्रेस भी जनरेट हो जाता है। वो नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, शियर फोर्स मतलब पैरेलल फोर्स। बट अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो देखो कोई चीज में आप तीन टाके लगा के, चार टाके लगा के, तो उसमें नॉर्मल फोर्स करेंगे तो टुकड़े टूट जाएंगे। कोई यार एक देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ये दो मेरे पास मेंबर्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ और मान लो थ्रू आउट द लेंथ में इनके अंदर वेल्ड दे रहा हूँ, अगर मैं थ्रू आउट द लेंथ में इनके अंदर वेल्ड दे रहा हूँ तो इसके अंदर ही नॉर्मल फोर्स को भी बियर कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा और शियर फोर्स को भी। बट अगर मान लो मैं टाका एक जगह टाका मार रहा हूँ, फिर दूसरे के टाका मार रहा हूँ, फिर तीसरे के टाका मारूँ और अब मैं इस पर नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाती है। तो याद रखना सर, इस टाइप की वेल्डिंग को जो कंटीन्यूअस नहीं दी जाती इसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट वेल्डिंग। इस टाइप की वेल्डिंग जो कंटीन्यूअस नहीं होती है, इस टाइप की वेल्डिंग जो कंटीन्यूअस नहीं होती है इसको बोला जाता है इंटरमिटेंट बट वेल्डिंग। और इंटरमीडिएट बट वेल्डिंग को ओनली शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स के लिए ही यूज करा जाता है। इंटरमीडिएट बट वेल्डिंग शुड बी यूज्ड टू रेजिस्ट शियर ओनली, ये ध्यान रखना। इस बार हम नॉर्मल फोर्स लगाओगे टूट जाएगा ये। तो अगर कोई ऐसा मेंबर है जिस पर ओनली शियर लग रहा है तो वहां पर आप इंटरमीडिएट बट वेल्डिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं तो थ्रोट थिकनेस बिल्कुल सेम है, बट अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि इनके बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस देख सकते हैं ऐसा रखो। सबसे पहले आपके दिमाग बात सकती है कि सर आपने जो इंटरमीडिएट बट वेल्डिंग करी, ये आपने कुछ स्पेस छोड़ा, फिर स्पेस छोड़ा, फिर स्पेस छोड़ा, ठीक है। ये स्पेस सर हम कितना छोड़ सकते हैं, अगर हम बात करते हैं सर ये स्पेस छोड़ा, ये वाला छोड़ा, ये सर स्पेस छोड़ा, ये जो आपने स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस जो होता है ये आप ज्यादा से ज्यादा कितना छोड़ सकते हो, 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 16 टाइम्स से ज्यादा नहीं छोड़ सकते। मान लो मेंबर की थिकनेस है 10 mm, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस छोड़ सकते हो वो, मान लो हमारे पास दो मेंबर है बट वेल्डिंग में, एक की थिकनेस है 12 mm और एक की थिकनेस है 10 mm, एक की थिकनेस है 12 mm और एक की थिकनेस है 10 mm, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं कि सर ये जो इनके बीच का स्पेस है आप कितना दे सकते हो, मैं बोलूंगा मैक्सिमम स्पेस जो मैं दे सकता हूं, मैक्सिमम स्पेस जो मैं दे सकता हूं 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर, 16 टाइम्स से ज्यादा नहीं दे सकता मैं, ठीक है। 16 टाइम से ज्यादा आप इसके बीच की थिकनेस को नहीं दे सकते हो, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम बात करें कि सर इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, तो भैया जो इनके बीच का स्पेस है उसको 4 गुना कर दो, जो भी इनके बीच का स्पेस है उसको 4 गुना कर दो, वही आपकी इफेक्टिव लेंथ बनती है। दो चीजें हमने डिस्कस करी कि सर ये जो मैक्सिमम स्पेस आपने देख रखा हुआ है ये आप कितना दे सकते हो, तो भैया जो दो पार्ट मैंने ज्वाइन करे, पैरेंट मेटल नंबर 1, पैरेंट मेटल नंबर 2, इन दोनों को जो मैंने ज्वाइन करा है, इसमें जो थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट है, इसमें से जो थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट है उसी की थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट में, उसी की थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट में, जो थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट है उससे 16 गुना कर दो, उससे ज्यादा आप इनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अब आपके पास क्या स्पेस आ गया, अब आपके पास आ चुका है, आपके पास स्पेस आ चुका है, इस स्पेस का 4 गुना कर दो, या फिर ये बोल दो कि इफेक्टिव लेंथ में इससे जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसका 4 times कर दो, वही आपका इफेक्टिव लेंथ बनेगा। आप देखो जो मैं बता रहा हूं लिखो, इंटरमीटेंट ये लिखा है आपको पूरा, इंटरमीटेंट बट वेल्ड
should be used to resist shear only. इस पर आप normal force लगा सकते हैं. And the effective length, जो हमने discuss करा, मैं आपको वही बता रहा हूँ. And the effective length of such wire should not be less than 4 times the longitudinal space between the effective length of wire. ठीक है जी? Nor more than the 16 times of thinner part. क्या बोला मैंने? 4 गुना से ज्यादा नहीं, मतलब 4 गुना तो मेरे होना चाहिए और 16 गुना से ज्यादा ये आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको आगे का पॉइंट बताता हूं. ठीक है, अब ये तो सिंपल सा हो गया. हमने कंटीन्यूअस वेल पढ़ लिया, हमने इंटरमीडिएट बट वेल कर लिया. अब आगे 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 की चीज है. आप इधर आओ, एक चीज मैंने आपको चीज बताई थी, याद देता हूं मैं आपको. ये था नहीं, ये था, ये नहीं है, ये भी नहीं है. हाँ इधर आओ, इधर आओ. देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड. आपको यहाँ से देखा है, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड. ठीक है, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो सर इसकी थिकनेस भी सेम लग रही है और इसे क्रॉस सेक्शन भी सेम लग रहा है. अगर हम इस पहले वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सेम है. अगर हम पहले वाले केस की बात करते हैं तो थिकनेस ऑफ मेंबर्स हैं, दोनों की इक्वल है. अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ मेंबर अलग है. और जब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. पानी पीऊंगे, पानी पी लेना, ऐसे वेट करो इसे. ठीक है, तो अगर हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो इक्वल थिकनेस थी, हम बोले इक्वल क्रॉस सेक्शन है. और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि ये मैं आपको आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा. अब हम ज्वाइन कर रहे हैं, अब हम जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं बट वेल्डिंग पार्ट्स ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस करा था कि हम बाद में पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे. आपको ये चीज मैं बता देता हूँ, जो मैंने बोल दिया मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. अगर मान लो मेरे किसी सब्जेक्ट की यूनिट बची हुई है और मैंने बोल दिया कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो कुछ भी हो जाए वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. मेरी आज तक एक ही स्टेटमेंट चेंज हुआ है, वो ये था कि शुरुआत में बोला था कि नोट्स देंगे, भाई मैं आपको नोट्स दूंगा, वो नोट्स दिया, बस ये स्टेटमेंट मैंने चेंज करा. और वो इसलिए करा क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता था कि आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो और अगर आपने नोट्स, अगर मेरे नोट्स बने हुए अगर आपने लोगों को बांट दिए ना, तो आप अपना कंपटीशन कम कर रहे हो. ओनली ये रीजन है कि मैं नोट्स नहीं देता. शुरुआत में जब पढ़ाना चालू करा था तो बोला था कि नोट्स देंगे, पर नोट्स नहीं दिए. क्यों नहीं दिए? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं जो आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और आप जो मुझसे मेहनत करके पढ़ रहे हो, अभी देखो मैं समझाता हूँ, आप नोट्स बना लोगे और वो नोट्स किसी को दे दोगे ना, तो फिर आपका पढ़ने से मुझे फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने अपना कंपटीशन बढ़ा दिया. ये रीजन है नोट्स ना देने का. तो मेरा क्या मानना है कि अगर आप खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना, तो आप कभी भी किसी को बांटोगे नहीं. और हाँ, लोग बोलते सर इस जगह तो आप सेल्फिश हो. हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मैं क्यों बोलूंगा कि आप कंपटीशन बढ़ाओ. मैं इतना डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ और कल को जो आप नोट्स बना रहे हो और वो नोट्स आप अपने दोस्त को दे दोगे, तो आपने अपना कंपटीशन बढ़ा लिया है. और भैया सिंपल सी बात है, कंपटीशन में हम लोगों को पीछे करके ही आगे बढ़ते हैं. और मैं तो यही चाहूंगा, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप ही आगे बढ़ो, मैं दूसरों से क्यों मतलब. आप बोलोगे सर टीचर ऐसा थोड़ी होता, टीचर तो सबका भरा चाहता है. मैं बोलूंगा यार सरकारी नौकरी में यार रेस में जीतना पड़ता है, रेस में तभी जीतोगे जब कुछ लोग पीछे होंगे. तो मैं इस जगह एक टीचर का धर्म क्या होता है कि वो तो सबको नॉलेज दे. हाँ तो मेरा है, बट मेरा यहाँ पर धर्म पता है क्या है कि मेरे को आपको सबको सेलेक्ट कराना है. मेरा धर्म क्या बोलता है कि मुझे आपको सरकारी नौकरी में ना खतरनाक तरीके से सेलेक्ट कराना है. तो ये मेरा धर्म है, मेरे को इस धर्म है अपना. नॉलेज बांटने का अलग चीज़ होता है, बट सिलेक्शन देखो, अगर मान लो मैं ओनली बीटेक के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं बोलूंगा कि ठीक है दुनिया भर में नोट्स बांटो, दुनिया भर की नॉलेज को इम्प्रूव करो. अगर मैं ओनली बीटेक को पढ़ा रहा होता तो मैं बोलूंगा दुनिया भर में मैं आपको खुद नोट्स देना कि यार ये पकड़ नोट्स करना क्या है यार, इनके स्क्रीनशॉट दे देने आपको अपने आप नोट्स. मैं हर बार हटता तो हूँ जिसे मैं हट गया, इसका स्क्रीनशॉट बना के तो देना है. कौन सी बड़ी बात है नोट्स बनाने में? कोई बड़ी बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दे दिया, कौन सी बड़ी बात है. बट कंपटीशन में तो भैया कुछ लोग आगे जाते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग पीछे आते हैं वो सेलेक्ट नहीं होते. और आप उससे पढ़ दो तो मैं बोलूँगा आप आगे जाओ, नोट्स इसलिए नहीं देता, नोट्स दे दिए तो आप अपना कंपटीशन खुद बढ़ा रहे हो. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ. अगर मैं बीटेक, आप बीटेक के बच्चे होते तो मरूंगा कि पूरे इंडिया के बीटेक के बच्चों को नोट्स बांट दो, फिर मैं कुछ नहीं बोलता. पर थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ेगा अगर सिलेक्शन आपको दिलवाना है तो ये रीजन है मैं नोट्स नहीं देता. ठीक है भैया, सिंपल सी बात ही है. फिर नोट्स की PDF बनेगी, फिर नोट्स गूगल ड्राइव पे जाएगा, है फिर सब डाउनलोड, वो अपने बस का नहीं है भैया. ठीक है, आगे बात डिस्कस करते हैं.
अब आगे बात डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने तीन फिगर्स हैं, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने तीन फिगर्स हैं। क्या क्या दिख रहा है आपको यहां पर? क्या है सर? बट वेल्डिंग है, फुली बट वेल्डिंग है। यहां पर क्या है? यहां पर भी बट वेल्डिंग है, फुली है, और यहां पर भी फुली है। अगर आप देखोगे तो आपके सामने तीन, बट अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस या फिर इसकी थिकनेस या फिर इसकी थिकनेस या इसकी थिकनेस या इसकी थिकनेस या इसकी थिकनेस या इसकी थिकनेस, इन तीनों की थिकनेस क्या है आपका? चेंज है। इन तीनों की थिकनेस क्या है आपके सामने? चेंज है। अगर आप देख सकते हो तो इन तीनों की थिकनेस क्या आपके सामने? चेंज है। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जब हम अनइक्वल क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करते हैं और इसमें बट वेल्डिंग कर रहे हैं, जब हम अनइक्वल क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें बट वेल्डिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास दो तीन केसेस होते हैं। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्या है कि आपका जो मोटा सेक्शन है ना, आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पर थिकनेस इस सेक्शन की ज्यादा है, यहां पर इस सेक्शन की थिकनेस कम है, तो मैं काम करता हूं सेक्शन को इस तरीके से काट देता हूं कि यहां तक आते आते आप देखोगे इस जगह देखो, अगर हम बात करें यहां पर T1 अलग है, यहां पर T2 अलग है, बट इस जगह T-D- दोनों थिकनेस बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि टेपर सेक्शन बोलते हैं। कि अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, ये हर बार कराया नहीं जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मेंबर का एरिया रिड्यूस कर दोगे और स्ट्रेंथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही ज्यादा लेके रखा हुआ है, तो हम जो मोटा सेक्शन है उसको उस कोने से पतला कर देते हैं। देखो अगर मैं बात, तो इस जगह थिकनेस और इस जगह T-D दोनों सेम है, तो मुझे कुछ इशू है ही नहीं, तो मुझे कुछ इशू है ही नहीं। तो आप देख सकते हो, तो क्या टॉपिक बना, व्हेन वी हैव टू जॉइन टू अनइक्वल क्रॉस सेक्शन ऑन द प्लेट ऑन द पैरेंट मेटल ऑफ बिगर थिकनेस वी कैन टेपर द सेक्शन, बट टेपर में आपको स्लोप कैसे रखनी है, जो कि 1:5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको इस तरीके से रखना है कि ये जो स्लोप है, ये जो आपका स्लोप है, ये 1:5 से ज्यादा। अब स्लोप क्या होती है, मैंने एक्स और वाई मैंने आपको बता दिया, कितने एक्स में कितना वाई बढ़ेगा, है ना, वो बता दिया है, बार बार स्लोप नहीं बताऊंगा, मैंने हर जगह स्लोप की डेफिनेशन आपको बता रखी है। दैट मीन्स इस मेंबर में जो हमने स्लोप रखनी है, इसमें से एक्स है, एक वाई है, ठीक है, वो 1:5 आपकी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि अगर हम दो अनइक्वल सेक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो मोटा सेक्शन है उसको हम कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है, बट ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप इसको कभी काट सकते हो जब आपका इस सेक्शन को कट करने में स्ट्रेंथ पर फर्क नहीं पड़ता, या आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा लेकर रखी है। आपने मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे है मेरे जब स्टील की यूनिट नंबर 1 पढ़ाई थी, मैंने आपको सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता रखी है, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कम लेकर रखी है और आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट दैट मीन्स इन दिस केस there is no effect on strength after the reduction of section। तो आप सब काट कर दोगे। अब दूसरा केस क्या है, देखो यहां पर थिकनेस T1 है, यहां पर थिकनेस आपकी T2 है, यहां पर आपकी थिकनेस क्या है T1 है और यहां पर आपकी थिकनेस क्या है T2 है। तो इस केस में हमने क्या करा, ना इसको काटा ना इसको, देखो अगर आप देखोगे तो इस जगह दोनों की थिकनेस यहां पर बराबर हो रही है इस जगह। अब यह जरूरी नहीं कि आप हर बार मेंबर को काट दोगे, भाई अगर आप एरिया को रिड्यूस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एरिया को रिड्यूस कर रहे हो तो आप स्ट्रेंथ भी, क्योंकि भाई एरिया रिड्यूस कर रहे हो तो जो एरिया आपने काट दिया, जो एरिया आपने काट दिया उसकी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, उसमें जब मटेरियल ही गैप कर दिया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि यहां से लेके यहां तक हम लोग वेल्ड कंटिन्यू कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक हम वेल्ड कंटिन्यू कर देते हैं, और ये तब ही पॉसिबल है। यहां से लेके यहां तक हम वेल्ड करोगे, कब करोगे, जब इन दोनों की थिकनेस का जो डिफरेंस है वो 25% से ज्यादा ना हो। इस केस में आप इस तरीके से तब ही ज्वाइन कर सकते हो, जब देखो आप देख सकते हो तो सिंगल वी बना हुआ बेवल है, सिंगल बेवल जॉइंट है ना, सिंगल एक जगह तो स्ट्रेट है और एक जगह सिंगल बेवल लेकर रखा हुआ है,
तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, हम दो अनइक्वल क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, तो इस टाइप की जॉइनिंग आप तभी कर सकते हो जब थिकनेस का द डिफरेंस इज थिकनेस, डिफरेंस इन थिकनेस शुड नॉट बी मोर देन 25%। थिकनेस का जो डिफरेंस है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 25% तक का थिकनेस है तो हम देखो क्या है इस मुद्दे से क्या, देखो अगर मान लो हमने इस केस की बात करी, मान लो यहां पर 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा तो हमें इसको टेपर देना पड़ेगा, और हमारा अगर एरर रिडक्शन का फर्क नहीं पड़ता तो हम टेपर दे देंगे। बट अगर एरर रिडक्शन से हमको फर्क पड़ता है कि भैया हम एरिया को रिड्यूस नहीं कर सकते, अगर हमें एरर रिड्यूस हम नहीं कर सकते हैं तो हमें करेंगे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर देंगे, और ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम तभी कर सकते हैं जब दोनों की थिकनेस का डिफरेंस 25% से ज्यादा ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसकी थिकनेस थी 12 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस थी 11 सेंटीमीटर, तो दोनों की जो थिकनेस का डिफरेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो वो 25% से ज्यादा नहीं हुआ, तो हाँ इस केस में आप ज्वाइन कर दोगे। अब मान लो आप इस तरीके से डबल वेवल ज्वाइन दे रहे हो, इस तरीके से दो तीन केसेस होते हैं, ये डबल वेवल हम तभी दे सकते हैं जब इनके बीच का अगर यहाँ पर थिकनेस टी है तो इसकी जो थिकनेस होगी वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 होगी, 1.8 हुई या 1.6 हुई तो हम इस तरीके से ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो आप देखोगे तो जो ऊपर का मेंबर है उसमें तो हमने टेपर कर दिया, और जो नीचे के मेंबर है उसमें हमने डायरेक्ट इस जहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दिया। बट इसकी दो कंडीशन है, एक तो इनकी थिकनेस जो है, इनकी अगर मान लो मैंने सिंगल बेवल लेके रखा हुआ है तो इनकी थिकनेस का डिफरेंस 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इस केस में अगर थिकनेस आपकी मैक्सिमम 1.5 तक आ रही है तो फिर हमें डबल बेवल ज्वाइंट देना पड़ेगा। लिख लो इसको, नहीं लिखो मत, इसकी स्लाइड है ना अपने पास, आ जाओ इधर आ जाओ, देखो जो मैंने आपको बताया वही है। इन बट वेल्डिंग स्टील पार्ट्स इन लाइन विद ईच अदर एंड विच आर इंटेंडेड टू विदस्टैंड डायनेमिक रिपीटेटिंग और ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस एंड विच आर ऑफ अनइक्वल विड्थ और वेयर The difference in thickness of the parts exceed 25% of thickness of the thinner part. Same to same ये वही चीज लिखी हुई जो मैं आपको बता रखा है, ठीक है? In butt welding steel parts in line, यार इसकी language बहुत गंदी लिखी हुई है। आप इस language को मत ही लिखो। देखो वही लिखा हुआ 1 in 5। आप एक काम करो, इस तरीके से मत लिखो। इसकी language थोड़ी गंदी रह के रखी हुई है, language को बिगाड़ दे करती है। जो मैंने आपको बताया 25%, मैंने आपको इंग्लिश से बता रखा है, इसको आप एक काम करो मत लिखो, आप एक इसकी हेडिंग डालो बस। अब डालो बट वेल्डिंग पार्ट्स ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन, और आप इस तरीके से इसको बना लो। अब यहां पर मैं बट वेल्डिंग को क्लोज करता हूं, और बट वेल्डिंग के बाद कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना, क्या डिस्कस करेंगे, अपना फिलेट वेल्ड। टेक केयर, बाय बाय।